हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको स्पाई कैमरा सही करना सिखाता हूँ। ये कैमरा है, स्पाई कैमरा है। इसका मैं पहले इंट्रोडक्शन दे दूँ। ये मूवी बनाने के काम में आता है। ये इसका पावर बटन है, ये वाला। ये इसका जो है रिकॉर्डिंग का बटन है। ये इंडिकेशन लाइट है। ये इसकी चार्जिंग पोर्ट है। और ये इसका रीसेट बटन है। और ये इसका मेमोरी कार्ड स्लॉट है, जहाँ इसमें एक्सटर्नल मेमोरी लगती है। इसकी बिल्ट इन मेमोरी नहीं है, इसकी एक्सटर्नल मेमोरी है। तो सबसे पहले हम इसको ऑन करने की कोशिश करते हैं। ये ऑन नहीं हो रहा है, पावर ऑन नहीं हो रहा। तो अब हम इसको चार्ज पे लगाते हैं। अब हम इसे चार्ज पे लगाते हैं तो ये चार्ज नहीं हो रहा। इसका मतलब इसका पावर सेक्शन हमें सबसे पहले चेक करना पड़ता है। तो हम इसको खोलते हैं, फिर देखते हैं इसके अंदर की कंडीशन। ये इसके दो नट थे। अब दो नट को हटाकर फिर हमने इसको यहाँ से खोल दिया। अब इसको अंदर से देखें। ये इसकी मेन आईसी है। ये इसका कैमरे का लेंस है। ये इसका माइक्रोफोन है, जहाँ से आवाज़ रिकॉर्ड करता है। ये इसकी चार्जिंग पोर्ट है। ये इसका रीसेट बटन है। ये इसका मेमोरी कार्ड की स्लॉट है। और ये क्रिस्टल लगा हुआ है इसके अंदर। और ये इसकी मेन आईसी है। तो इसके अंदर हम जो है, सबसे पहले मुझे लग रहा है इसकी बैटरी जो है काफ़ी अच्छी कंडीशन की नहीं लग रही है, फूली भी लग रही है इसकी बैटरी। तो इसकी बैटरी बाज़ार में अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो है हम लोगों ने एक ये MP3 प्लेयर लाया हूँ मैं। तो ये 125 रुपये का मिल जाता है MP3 प्लेयर बाज़ार से। तो हम इसकी बैटरी जो है निकाल कर इसके अंदर लगा देंगे और फिर चेक करते हैं। ये मैंने डीसोल्ड कर दिया है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव देख कर करिएगा। ये काली तार जो है नेगेटिव की होती है, जो लाल तार है पॉजिटिव की है। अब इसको खोल लेते हैं पहले। ये हमने इसको खोल लिया है। अब इसके अंदर सेम बैटरी है। अब इस बैटरी को हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ये हमने बैटरी निकाल ली। अब इसको रख दें आप साइड में। अब इसका पॉजिटिव और नेगेटिव देख कर लगाते हैं हम। ये पॉजिटिव देख हमने लगा दिया है इसमें। अब हम इसके अंदर चेक करते हैं इसे, ये ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा। मिनट, हम पहले इसको इसमें से बाहर निकाल लेते हैं। ये एक और नट है इसका, इसको भी खोल लेते हैं। ये MP3 बैटरी जो है मुझे लग रहा है एम्प्टी हुई हुई है। तो पहले इसको इसके वोल्टेज चेक कर लेता हूँ मैं।
वोल्टेज चेक करने के लिए मैं मल्टीमीटर यूज करता हूँ। वोल्टेज आ रहे हैं इसमें, तो अब हम इसे चार्ज पे लगाते हैं। अब ये बैटरी चार्ज होना शुरू हो गया। अब ये देखें, ये जो ये है चार्ज हो रहा है। अब हम इसमें इसके अंदर मेमोरी कार्ड लगाते हैं। पहले मैं इसे निकालता हूँ। ये मैंने यहाँ लगा दिया है। मैं इसे से पावर ऑन करता हूँ। पावर ऑन हो गया। अब जो है इसकी रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। नई बैटरी के बाद ये फौरन चार्ज करना शुरू हो गया है, और इसका मतलब अब हमने इससे रिकॉर्डिंग भी करके देख ली है। तो अब हम इसका रिज़ल्ट चेक कर लेते हैं, क्या आया, इसने रिकॉर्डिंग करी है कि नहीं करी। तो इसके लिए हम एक मोबाइल लेते हैं, और ये सिर्फ VLC प्लेयर को सपोर्ट करता है इसका वीडियो फॉर्मेट, इसके अलावा किसी और फॉर्मेट में सपोर्ट नहीं करेगा। ये देखें, ये बिल्कुल सही डिस्प्ले आ गया इसका, और इसकी मूवी में ये देखें प्लेबैक करके दिखा रहा हूँ आपको, तो अब ये बिल्कुल सही हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।